गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का रूब्रिक है इंट्रोवर्टेड। कौन लोग होते हैं जो इंट्रोवर्टेड होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो बहुत क्वाइट, शाय, अकेले रहना पसंद करते हैं, चुपचाप, लोगों के साथ ज़्यादा मिलना जुलना नहीं, अंतर्मुखी, शांत लोग। ये अपने अंदर जो थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं, उनके साथ ही दे फील मोर कंफर्टेबल। वो बाहर लोगों से मिलना जुलना ज़्यादा पसंद नहीं करते, या बाहर क्या हो रहा है उसका उनको ज़्यादा नहीं होता। वो एक या दो लोगों के साथ ही मिलना पसंद करते हैं, ज़्यादा भीड़ में, ज़्यादा ग्रुप्स में वो उनको ज़्यादा पसंद नहीं होता। सो इंट्रोवर्टेड लोग शांत किस्म के लोग जो अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं और ज़्यादा भीड़ पसंद नहीं करते। अपनी ही सोचों में, अपनी ही थिंकिंग में, अपने ही आइडियाज़ में खोए रहते हैं। इस रूब्रिक में हमारे पास 28 मेडिसिंस हैं। हम पेशेंट को कैसे पहचानेंगे कि ये इंट्रोवर्टेड है? अक्सर पेशेंट आकर बताते हैं कि डॉक्टर साहब, मुझे बाहर जाना, बाहर घूमना फिरना या बाहर बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना मुझे पसंद नहीं है। या पेशेंट के अटेंडेंट आकर बोलेंगे कि बिल्कुल बाहर नहीं निकलता, बस अंदर ही अपने कमरे में बैठे रहना और किसी से ज़्यादा बात नहीं करनी, लोगों से किसी से मिलना जुलना नहीं, चुप चुप रहना, इस तरह से। इस रूब्रिक के ऑपोजिट रूब्रिक आता है एक्सट्रोवर्टेड। एक्सट्रोवर्टेड बिल्कुल ऑपोजिट, आउटगोइंग, सोशली कॉन्फिडेंट, बहुत एक्टिव, बहुत लाइवली, जो अपनी पार्टी की शान होते हैं, जो अपनी पार्टी की लाइफ होते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना, लोग भी पसंद करते हैं इन लोगों से मिलना। बहुत फ्रेंडली किस्म के लोग, सोशली कॉन्फिडेंट। तो इनको कैसे पहचानेंगे कि एक्सट्रोवर्टेड लोग हैं? ये भी आकर बोलेंगे कि डॉक्टर साहब, मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है और मैं तो अकेला रह ही नहीं सकता, मेरे तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और मैं तो जब चला जाता हूँ बाहर पार्टी में तो पार्टी में जान आ जाती है, सभी के साथ हंसना, खेलना, मिलना जुलना मुझे बहुत पसंद है। इस तरह ये लोग खुद को एक्सप्लेन करेंगे। सो दिस इज ऑल इन टूडेज रूब्रिक। आज की वीडियो का क्वेश्चन है, दो ऐसे रूब्रिक लिखिए, एक इंट्रोवर्ट के जैसा और दूसरा एक्सट्रोवर्ट के जैसा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का रूब्रिक है एलिमेंट्स फ्रॉम अलोन बीइंग। एलिमेंट्स फ्रॉम मींस के पेशेंट की प्रॉब्लम यहाँ से, इस रीज़न से स्टार्ट होती है। यहाँ पर रीज़न है अलोन बीइंग, अकेले होने की वजह से। पेशेंट अकेला है, अकेले होने की वजह से उसको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। वो डिप्रेशन हो सकता है, वो माइग्रेन हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, वो कोई भी, किसी भी किस्म की कोई भी बीमारी हो सकती है, कुछ भी। सो अगर किसी पेशेंट को ये लगता है कि वो अकेला है और इसी वजह से उसको कोई भी प्रॉब्लम हुई है, कोई भी बीमारी हुई है, तो वहाँ पर हम ये रूब्रिक यूज़ करते हैं। इस रूब्रिक में 41 मेडिसिंस हैं। अलोन के साथ रिलेटेड बहुत सारी कंडीशंस हैं। कोई डिल्यूजन है, कोई एंग्जाइटी है, कोई फियर है, कोई रेस्टलेसनेस है, कोई कंपनी एवर्शन है। सो आज हम कुछ रूब्रिक्स इसके साथ रिलेटेड और करेंगे। डिल्यूजन, अलोन ऑलवेज, यहाँ पर पेशेंट को लगता है, उसको एक उसकी परसेप्शन है, उसको लगता है, उसकी इमेजिनेशन है कि मैं हमेशा ही अकेला हूँ। डिल्यूजन, अलोन ऑलवेज, हमेशा अकेला हूँ। इस रूब्रिक में हमारे पास दो मेडिसिन्स हैं, पल्साटिला एंड सेट्रामोनियम।
नेक्स्ट रूब्रिक है कंपनी एवर्शन टू एलोन व्हेन एमेलियरेट। कंपनी एवर्शन टू, यहाँ पे पेशेंट को बिल्कुल भी किसी कंपनी की ज़रूरत नहीं है, वो सोचता है कि मुझे कंपनी नहीं चाहिए, उसको कंपनी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वो पसंद नहीं करता। एंड अलोन एमेलियरेट, अकेला रहने से उसको अच्छा लगता है। किसी जगह पे अकेले होने से प्रॉब्लम क्रिएट होती है और किसी जगह पे अकेले होने से उसकी प्रॉब्लम को आराम मिलता है। नेक्स्ट रूब्रिक है एंग्जाइटी अलोन व्हेन, यहाँ पर फिर से वही कंडीशन आ जाती है, अकेला रहने से पेशेंट को एंग्जाइटी होती है, घबराहट होती है, टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, उसको वरी होती है, तो वो अकेला नहीं रह सकता, उसको उसका दिल घबराने लग जाता है। एंग्जाइटी अलोन व्हेन, इस रूब्रिक में हमारे पास 22 मेडिसिन है। नेक्स्ट रूब्रिक है फियर अलोन ऑफ बीइंग, अकेले रहने से पेशेंट को डर लगता है, वो अकेला नहीं रह सकता, उसको डर लगता है। सो कहीं पर एलिमेंट फ्रॉम है, कहीं पर डिल्यूजन है, कहीं पर एंग्जाइटी है, कहीं पर फियर है, सभी के सभी एलोन के साथ रिलेटेड है। जहाँ पे उसको अकेले रहने से डर लगता है वहाँ पे 82 मेडिसिन्स हैं। एक और रूब्रिक है वीपिंग एलोन व्हेन, जब वो अकेला होता है रोना शुरू कर देता है या रोना आ जाता है, वीपिंग एलोन व्हेन, अकेले होने पर वो रोता है। इस रूब्रिक में हमारे पास 8 मेडिसिन्स हैं। सो इस तरह से एलोन में अभी भी बहुत सारे रूब्रिक्स हैं और इन रूब्रिक्स को और डिटेल में स्टडी किया जा सकता है। सो दिस इज ऑल इन टुडेज रूब्रिक। आज की वीडियो का क्वेश्चन है एलोन के साथ रिलेटेड 2 और रूब्रिक्स लिखिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स, आज हम करेंगे एक्सीडेंट के साथ रिलेटेड रूब्रिक। एक्सीडेंट होता है कोई भी दुर्घटना हो जानी, कोई भी एक्सीडेंट हो जाना, तो हो जाने का डर रहता है इन पेशेंट्स में, फियर ऑफ एक्सीडेंट्स, कि कहीं एक्सीडेंट हो ना जाए, इस बात का डर। इस रूब्रिक में 23 मेडिसिन्स हैं। इसके साथ रिलेटेड और कई रूब्रिक्स हैं, फियर क्रॉसिंग ऑफ ब्रिज और अ प्लेस, जब ये पेशेंट ब्रिज क्रॉस करता है या कोई भी जगह क्रॉस करता है तो इसके मन में डर कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं किसी चीज में ना लग जाऊं। तो ब्रिज क्रॉस करने का या कोई भी जगह क्रॉस करने का डर, इस रूब्रिक में 8 मेडिसिन्स हैं। एक और रूब्रिक है फियर क्रॉसिंग स्ट्रीट्स, गलियों में, गलियों को क्रॉस करना, वहाँ से गुजरना, तो भी इसके मन में डर रहता है कि मैं गली कैसे क्रॉस करूँ, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं कुछ बीच में ना लग जाए, इस तरह। तो इस रूब्रिक में भी हमारे पास 6 मेडिसिन्स हैं। एक और रूब्रिक है फियर वॉकिंग ऑफ अक्रॉस बिजी स्ट्रीट्स, चलने का डर, फियर ऑफ वॉकिंग, चलने का डर, कहाँ पर, अक्रॉस बिजी स्ट्रीट्स, के जो भीड़ भाड़ वाली गलियाँ हैं, भीड़ भाड़ वाली सड़कें हैं, भीड़ भाड़ के रास्ते हैं, वहाँ पे चलने का डर। मन में डर तो एक ही है कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। इस रूब्रिक में हमारे पास 7 मेडिसिन्स हैं। एक और ऐसा ही रूब्रिक है
फियर अप्रोचिंग व्हीकल्स ऑफ, जो व्हीकल्स है, गाड़ियां हैं, कोई भी व्हीकल, कार, स्कूटर, किसी भी तरह का, कोई बस, ट्रक, कुछ भी, जो भी उसकी तरफ आ रहे हैं. फियर ऑफ अप्रोचिंग व्हीकल्स, जो उसकी तरफ आ रहे हैं तो उसके मन में होता है कि कहीं मुझ में ना आके लगे, क्योंकि वो उसकी तरफ आ रहे हैं, तो उनसे डरता है कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए. इस रूब्रिक में हमारे पास 4 मेडिसिंस हैं. एक और रूब्रिक है, फियर कार व्हीकल्स इन द स्ट्रीट्स ऑफ, गलियों में व्हीकल से, कार से डर लगना. तो बेसिकली गली को, सड़क को क्रॉस करना, क्रॉस करने से डरना, या व्हीकल से, कार से, किसी भी गाड़ी से डर लगना, ये सब फियर ऑफ एक्सीडेंट के बहुत करीब है कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए. इन सभी रूब्रिक्स में एक दो को छोड़कर एक मेडिसिन बहुत कॉमन है, दैट इज हाइड्रोसाइनिकम एसिड, जिसमें बहुत सारे इस तरह के डर पाए गए हैं. सो दिस इज ऑल इन टूडेज रूब्रिक. आज की वीडियो का क्वेश्चन है, हाइड्रोसाइनिकम एसिड मेडिसिन के 3 डर के साथ, फियर के साथ रिलेटेड रूब्रिक्स लिखिए. थैंक यू. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. आज का रूब्रिक है चीयरफुल इन कंपनी. चीयरफुल होता है खुश होना, जॉय, हैप्पीनेस. और कंपनी, कंपनी होता है कुछ लोग, कुछ आपको जानते हैं या नहीं जानते हैं, कोई ग्रुप, कुछ लोग. तो चीयरफुल इन कंपनी, ये वो लोग होते हैं जो कंपनी में, लोगों में, दूसरे लोगों के साथ जो खुश रहते हैं, खुशी महसूस करते हैं, हैप्पी होते हैं, जॉय फील करते हैं. इस रूब्रिक में हमारे पास एक ही मेडिसिन है, दैट इज बोविस्टा. बोविस्टा में बहुत सारे ऐसे रूब्रिक्स हैं जो इस रूब्रिक को सपोर्ट करते हैं, लाइक कंपनी डिजायर फॉर अलोन व्हाइल एग्रीवेट. पेशेंट का दिल करता है कि उसकी इच्छा होती है कि वो कंपनी में रहे, क्योंकि अकेले रहने से उसकी प्रॉब्लम बढ़ती है, एग्रीवेशन होती है. या कंपनी डिजायर फॉर एवर्स टू सॉलिट्यूड, अकेले रहने से, अकेलेपन से, अकेले होने से इसका दिल करता है कि मैं कंपनी में रहूं, अकेला नहीं रह सकता. और एक रूब्रिक है जो इसको सपोर्ट करता है, सैडनेस कंपनी एमिलोरेट. इस पेशेंट को कितनी कंपनी की जरूरत है, उदास होता है तो भी इसको कंपनी की जरूरत है. इनडिफरेंस कंपनी सोसाइटी वाइल इन एमिलोरेट. इनडिफरेंस लैक ऑफ इंटरेस्ट, किसी भी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना अच्छे से ना बुरे से. लेकिन इसको आराम कहाँ से, कहाँ आता है? कंपनी सोसाइटी, जब ये लोग कंपनी में होते हैं या कुछ लोगों की सोसाइटी में होते हैं, तब इनको आराम मिलता है. और ये लोग बोलते बहुत हैं, लोक्वेसिटी, ओपन हार्टेड, इतना ज़्यादा बोलते हैं दिल खोल के, पूरे दिल के साथ, ओपन हार्टेड. कंपनी पसंद है, सोसाइटी पसंद है,
और पूरा दिल खोल के ये बातें करते हैं। एक और रूब्रिक जो सपोर्ट करता है डिल्यूजन हार्ट लार्ज टू, बहुत बड़े दिल के मालिक होते हैं ये लोग। हम बोविस्टा की बात कर रहे हैं। सोशल फंक्शंस एमिलियरेट, जब कोई गैदरिंग्स होती हैं सोसाइटी में, कोई फंक्शंस होते हैं, सोशल फंक्शंस होते हैं समाज में कुछ, तो वहां पर भी इनको आराम मिलता है। सोशल फंक्शंस एमिलियरेट, आराम मिलता है। सो बोविस्टा एक ऐसी मेडिसिन है जो पेशेंट अकेला नहीं रह सकता, अगर उदास भी होता है तो भी उसका दिल चाहता है कि मैं कंपनी में हूँ, अगर इनडिफरेंट भी है तो भी कंपनी की डिज़ायर होती है। और सोशल फंक्शंस, कंपनी में जाना, ये सब कुछ इसको बहुत पसंद है। और कंपनी में ही बिकम्स चीयरफुल, बहुत खुश होता है कंपनी में जाकर। सो दिस इज ऑल इन टूडेज रूब्रिक। आज के वीडियो का क्वेश्चन है, बोविस्टा का एक और कंपनी के साथ रिलेटेड रूब्रिक डालिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का रूब्रिक है एवर्शन इंटरफेरेंस। एवर्शन होता है किसी चीज़ को पसंद ना करना, डिसलाइक, नॉट लाइकिंग एनीथिंग, ना पसंद करना, विमुखता। और इंटरफेरेंस किसी की दखलअंदाजी, कोई हस्तक्षेप करे, कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें दूसरे ने कुछ लेना देना नहीं है लेकिन फिर भी इंटरफेयर कर रहा है, फिर भी उसमें इन्वॉल्व हो ही जा रहा है। तो ये जो पेशेंट्स होते हैं ये इंटरफेरेंस, किसी का भी हस्तक्षेप पसंद नहीं करते, इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई भी हस्तक्षेप करे। तो ये कंडीशन कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं? बहुत ऐसी सिचुएशंस हैं, बहुत ऐसे एज ग्रुप्स हैं जिनमें ये वाली फीलिंग होती है और इस तरह के पेशेंट्स होते हैं। जैसे एक बच्चा है, 12-15-18 साल का बच्चा, उसको बिल्कुल पसंद नहीं होता कि उसके पेरेंट्स इंटरफेयर करेंगे। उसका दिल होता है कि जो मैं मनमर्जी करता हूँ मैं वो करता रहूँ, मैंने नहीं पढ़ना मतलब नहीं पढ़ना, मैंने पैसे खर्चने हैं फजूल खर्चने हैं मतलब खर्चा करना है, मैंने बाइक पे घूमना है फिरना है मतलब घूमना है। और अगर पेरेंट्स पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों करते हो, तो वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पर हम एवर्शन इंटरफेरेंस का रूब्रिक बच्चे के केस में, बच्चे में यूज़ कर सकते हैं कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं जो करना चाहता हूँ पेरेंट्स करने नहीं देते। और भी बहुत सारी सिचुएशंस है, जैसे डॉटर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, डॉटर इन लॉ कुछ भी खाना बनाती है या कुछ भी घर का काम करती है, तो मदर इन लॉ बीच बीच में इंटरफेयर करते रहते हैं, अब तुम ऐसे कर लो, अब तुम वैसे कर लो। काम तो सारा डॉटर इन लॉ ने करना है, बहू ने करना है, वो वैसे ही बिना मतलब के इंटरफेयर करती रहती हैं जहाँ उसकी ज़रूरत भी नहीं है। अगर तो आपका कॉर्डियल रिलेशन है, बहुत अच्छा रिलेशन है, तब तो इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपका रिलेशन थोड़ा अच्छा नहीं है तो डॉटर इन लॉ को लगता है कि ऐसे ही इंटरफेयर करती रहती हैं, इन्होंने करना कराना कुछ है नहीं, बस ऐसे ही बोलते रहना, ये ऐसे कर लो, ये ऐसे क्यों किया। सो वहाँ पर लगता है डॉटर इन लॉ को कि वो इंटरफेयर करते हैं, एंड शी डजंट लाइक दिस इंटरफेरेंस। अब एक और सिचुएशन है, बॉस है उसके एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ चाहे जितना मर्जी अच्छा काम कर ले लेकिन बॉस ने कुछ ना कुछ इंटरफेयर करना ही है, तो वहाँ पे भी एम्प्लॉय को लगता है कि मैंने इतना अच्छी फाइल बनाई, इतना अच्छा सारा एक्सेल की शीट बनाई, फिर भी उन्होंने दो चार चीज़ें निकाल दी, ये कैसे कर लिया, वो कैसे कर लिया, या ऐसे कर लो वैसे कर लो। सो
एम्प्लॉय को वो इंटरफेरेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। सो ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस हैं जहाँ पे हम ये रूब्रिक यूज़ कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी एज ग्रुप में, जहाँ पे पेशेंट को लगता है कि दूसरा, कोई भी दूसरा बाहर का बंदा वो इंटरफियर कर रहा है। इस रूब्रिक में हमारे पास 8 मेडिसिंस हैं, 8 दवाइयाँ हैं, ब्राइटा कार्ब, कैल्केरिया फॉस, कैमोमिला, सिना, नेट्रम्योर, सैनिकुला, सिलिशिया, सल्फर, सब की सब जिद्दी टाइप ऑफ मेडिसिंस। इस रूब्रिक के अंडर एक और रूब्रिक है, एवर्शन इंटरफेरेंस। इफ़ यू टेक द चाइल्ड बाय द हैंड इट क्राइज टेरिबली। ये जो बच्चा है ये बिल्कुल भी इंटरफेरेंस पसंद नहीं करता, अगर उसका हाथ पकड़ते हो या हाथ से उसको पकड़ते हो तो वो बहुत ऊंची ऊंची चीखना चिल्लाना शुरू करता है। इस रूब्रिक में हमारे पास एक ही मेडिसिन है, दैट इज सिना। सिना में वैसे भी रिफ्यूज इज हेल्प, क्वाइटेड कैन नॉट बी, जो मर्जी उसका करते रहो, चुप नहीं करना, इस तरह के बहुत सारे बच्चों में यूज होने वाले रूब्रिक्स हैं। इसके नीचे एक और रूब्रिक है, एवर्शन इंटरफेरेंस रिजेंट्स। रिजेंटमेंट होता है कि एक तरह का गुस्सा आना कि क्यों इंटरफियर कर रहे हो, आपकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, आप क्यों ऐसा कर रहे हो, गुस्सा आना किसी भी बात पे। इस रूब्रिक पे हमारे पास 3 मेडिसिंस हैं, कैमोमिला, नेट्रम्योर एंड सल्फर। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रूब्रिक है जो आज के टाइम पे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जहाँ सभी में पेशेंस ख़त्म हो जाती है कि कोई मेरे मामले में, मेरी बातों में क्यों हस्तक्षेप कर रहा है, मुझे ये पसंद नहीं है। सो किसी भी ये सिचुएशन में हम इस रूब्रिक को यूज़ कर सकते हैं। इस रूब्रिक का हम डीडी कर सकते हैं कॉन्ट्राडिक्शन के साथ। लगता है कि जैसे इंटरफेरेंस या कॉन्ट्राडिक्शन एक जैसे वर्ड है, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। कॉन्ट्राडिक्शन होता है विरोध करना, खंडन करना कि तुमने ऐसा क्यों किया। इंटरफेरेंस होता है किसी के मामले में हस्तक्षेप करना कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, बिना मतलब के बेफजूल में इंटरफेयर करना। लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन में विरोध करना, ऑपोजिट होना। तो इस तरह से दोनों रूब्रिक्स डिफरेंट है। सो दिस इज ऑल इन टूडेज रूब्रिक। आज की वीडियो का क्वेश्चन है, एवर्शन के साथ रिलेटेड 3 रूब्रिक्स जो इसी तरह की फीलिंग देते हों वो लिखिए। जब भी आप रूब्रिक्स लिखते हो तो जो रूब्रिक मैं पढ़ाती हूँ, आप उन रूब्रिक्स को रिपीट मत कीजिए। मेरा रूब्रिक पूछने का मतलब ये होता है कि आप नया रूब्रिक उसमें से, अपनी रेपर्टरी में से ढूंढिए और वो लिखिए, सेम रूब्रिक मत रिपीट किया कीजिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का रूब्रिक है कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन होता है बातचीत करना, अपने व्यूज़, अपने सेंटिमेंट्स, अपनी ऑब्जर्वेशन दूसरों के साथ शेयर करनी, एक्सचेंज करनी, बातें करना, अपने व्यूज़ एक्सचेंज करना, अपने सेंटिमेंट्स एक्सचेंज करना। टॉकिंग होता है जिसमें बातें करना होता है किसी भी तरह की। स्पीक होता है मुंह से कुछ उच्चारण करना, लेकिन कॉन्वर्सेशन में हम एक्सचेंज करते हैं अपने व्यूज़, बोलकर दूसरों को बताते हैं अपने आइडियाज़, अपने ओपिनियन, अपनी ऑब्जर्वेशन। कॉन्वर्सेशन के अंडर हमारे पास 4 बेसिक रूब्रिक्स हैं। पहला है कॉन्वर्सेशन एग्रीवेट। बातचीत करने से, बातें एक्सचेंज करने से पेशेंट को एग्रीवेशन होती है, उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, वो अपने व्यूज़ एक्सचेंज करता तो है लेकिन उसकी कोई भी प्रॉब्लम जो है
बातें करने से, कॉन्वर्सेशन से एग्रीवेट होती है। इस रूब्रिक में हमारे पास 43 मेडिसिंस हैं। नेक्स्ट रूब्रिक है कॉन्वर्सेशन एमिलियोरेट। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर पेशेंट किसी के साथ एक्सचेंज करता है अपने व्यूज़, अपने सेंटिमेंट्स, आइडियाज़, तो पेशेंट को बेटर फील होता है, उसकी प्रॉब्लम बेटर फील करती है, वो खुद बेटर फील करते हैं, उसको अच्छा लगता है। बातचीत करने से पेशेंट को अच्छा लगता है, वो बेटर फील करता है। कॉन्वर्सेशन अवर्शन टू, ये नेक्स्ट रूब्रिक है। एवर्शन होता है बिल्कुल बात करने को मन ना करना, टोटल एवर्स, दिल नहीं करना। बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट का किसी के भी साथ बात करने को मन नहीं करता, तो कॉन्वर्सेशन, वो कोई भी अपने व्यूज एक्सचेंज नहीं करना चाहता, तो वहाँ पर हम कॉन्वर्सेशन एवर्शन लेते हैं। अगर उसका किसी के साथ बात करने को मन ना करे, वो टॉकिंग के अंडर आएगा, लेकिन यहाँ पे वो अपने व्यूज एक्सचेंज नहीं करना चाहता, तो यहाँ पे हमारे पास वी हैव 31 मेडिसिंस। देन लास्ट रूब्रिक है कॉन्वर्सेशन डिजायर फॉर। यहाँ पर उसका दिल करता है कि मैं किसी के साथ बात करूँ, मैं अपने व्यूज किसी के साथ शेयर करूँ, मैं अपने ओपिनियन किसी के साथ शेयर करूं, और उसका दिल करता है मैं किसी से बात करूं, मैं अपने व्यूज एक्सचेंज करूं, तो इस रूब्रिक में हमारे पास 4 मेडिसिंस हैं। सो इस तरह हम पेशेंट जो बोलते हैं कि उसका बात करने को मन करता है, नहीं करता है, बात करने से, कॉन्वर्सेशन से, बातचीत करने से, आइडियाज़ एक्सचेंज करने से उसको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, वो बेटर फील करता है, वो उसकी एग्रीवेशन होती है, ये सब हम इन रूब्रिक्स में देखते हैं। सो दिस इज़ ऑल इन टूडेज रूब्रिक। आज की वीडियो का क्वेश्चन है, कॉन्वर्सेशन के साथ रिलेटेड 3 रूब्रिक्स लिखिए। थैंक यू।